नमस्कार, समाचार प्रेस झारखंड बिहार देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आकाश सरोज। आज होली का पावन त्यौहार है और इस त्यौहार के मौके पर पूरे देश भर में लोग होली खेल रहे हैं। आप भी अपने घर पर होंगे, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहे होंगे, घर में पुआ पकवान खा रहे होंगे। लेकिन एक ताजुब वाली बात आपको हम बताने वाले हैं। झारखंड में एक ऐसा गाँव है जहाँ पर होली नहीं मनाई जाती। थोड़ी हैरानी वाली बात है, लेकिन यह सच है। अब इसको आप अंधविश्वास कहें, रूढ़िवादिता कहें, मान्यता कहें या फिर परंपरा कहें, जो भी है, लेकिन यहाँ के लोग आज से नहीं बल्कि सदियों से यहाँ पर होली नहीं मनाई जाती। अभी हम उसी गांव में आए हुए हैं और ये गांव है झारखंड राज्य के बोकारो जिला अंतर्गत कसमार प्रखंड के दुर्गापुर में। अभी हमारे साथ कुछ लोग यहाँ के ग्रामीण हैं, यहाँ के निवासी ये लोग मौजूद हैं हमारे साथ। सबसे पहले हैं बोधन मुर्मू, यहाँ के पाहन है। पाहन के बारे में मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। पाहन वो होते हैं जो कि गाँव में अगर कुछ भी शुभ कार्य होता है तो इन्हीं के हाथों शुरुआत होती है। तो आज ये जो शुभ काम करने आज हम लोग आए हैं, इन्हीं के हाथों से शुरुआत करेंगे, इन्हीं से सबसे पहला सवाल करेंगे। देखिए बोधन जी, जैसा कि खबर ये ऐसा है कि दुर्गापुर में होली नहीं मनाई जाती, क्या कुछ कारण है? यहाँ के लोग होली क्यों नहीं मनाते हैं? हम बताते हैं। तो यहाँ होली नहीं खेलने का कारण यही है। हिंदी बोलने की? हाँ, हिंदी से बोलें। हाँ, तो यही कारण है कि यहाँ ये फागुन, आज फागुन पूर्णिमा है ना, इसी के दिन यहाँ एगो राजा हुआ रहा करते थे, उनका नाम था दुर्गा प्रसाद देव। तो आज ही के दिन मारे गए थे। वजह यह था कि वो साड़ी के विषय में कुछ हुआ था पहले, तो पूरा विस्तार से बताएं। हाँ, पूरा विस्तार से बताएं कैसे क्या कुछ हुआ था। हाँ, तो वहाँ पद्म राजा रामगढ़ राज जी, उनका एक सिपाही गया था साड़ी लेने के लिए झल्ला बंगाल तरफ। हाँ। तो वहाँ से आ रहे थे तो रात हो गई, रात हुई तो यहाँ पर रुक गए। तो उन लोग यहाँ के जो उनके जो थे पहरेदार सिपाही लोग थे, वहाँ रुके और वो देखे वो क्या सामान है। तो एगो बक्सा में बंद एगो साड़ी को खोल लिया, खुला और जो नाच गान रात जो बिताया, तो रात में बिताया नाच गान हुआ, तो सुबह हुआ तो साड़ी को निकाल के वो नचा रहे थे यहाँ के राजा। तो फिर उसी बक्सा में बंद करना चाह रहे थे तो नहीं बंद कर ना हो पाया। तो इसी हालत में लेके वहाँ गए रामगढ़ राज के यहाँ। तो देखे तो वह खुला हुआ है। तो क्या खोला? तो बोल दिया वो लोग वहाँ के राजा हैं वही खोले थे। उनको कुछ अंकुश हुआ और क्रोध हो के वह आज ही के दिन वहाँ आए और यहाँ जो जितने भी बाल बच्चे थे, बूढ़ा बुजुर्ग थे, सब मारे गए, राजा भी मारे गए। एक वो रानी बची थी, तो रानी यहाँ से भाग के गए रानीटांड। वहाँ वो खोहर में वो बीच का खोहर था, वहाँ घुसे, वहाँ तक पहुँचे वो लोग। तो वहाँ से निकली तो यहाँ रानी दह करके एगो मधुकरपुर मोजा के अंत आता है, एगो रानी दह के एगो दो है, वो यहाँ आके सती हो गई, मर गई। तो आप लोग होली के दिन क्या करते हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि दूसरे दूसरे जितने भी गांव में सारे लोग होली खेलते हैं। दुर्गापुर के लोग क्या करते हैं यहाँ पे होली के दिन? होली के दिन हम लोग रंग अबीर नहीं करते हैं, खान पान करते हैं, जो मिलता है, आरती जुटता है। अगर आप लोग अगर होली खेलेगा तो क्या होगा गाँव में? कुछ होता है उसमें, जो बीमार होता है मर जाते हैं। वैसे ही एक समय ऐसा हुआ था कि यहाँ मल्हार लोग आए हुए थे, तो उन लोगों को मना किया गया था तो नहीं माने, खेलने लगे तो कई को लोग मर गए। अच्छा, यहाँ कुछ और भी लोग, उनसे भी जानकारी लेंगे, आपसे पूछेंगे। अगर हम मान लीजिए अभी जैसे कि आपके पास आए हैं, मान लीजिए अगर हम मेरा यहाँ पर अबीर लगा हुआ था, रंग लगा हुआ होता, तो गाँव के लोग क्या कहते हैं हमको? मैं सबसे पहले इस चैनल को जोहार करना चाहता हूँ। मेरा नाम है मनोज कुमार महतो, मैं दुर्गापुर डुंडाडी का कस्बा, ये मेरा घर है ग्राम दुर्गापुर टोला डुंडाडी थाना कस्बा जिला बोकारो का स्थायी निवासी हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/5/1985। मैं जब से जान रहा हूँ यहाँ होली नहीं खेली जाती। सुनने में आया था कि जो जिस दिन होली है उसी दिन मल्हार लोग यहाँ होली खेले थे, जितना लोग खेले सभी लोग दुनिया से विदाई हो गए और उस समय से यहाँ होली नहीं खेली जाता है। जो हमारे दादा परदादा, जो हमारे जानकारी है, यहाँ के लोग बोलते हैं जो हम लोग का दुर्गा बाबा जो है बाबा बलराव, जिसको दुर्गा देवी या जिस तरह जिस लोग नाम देते हैं वही है। कोई बोलता है बाबा बलराव, कोई बोलता है मारंगबुरु, कोई बोलता है बड़ पहाड़, कोई बोलता है हम लोग का बड़ा पहाड़, तो यहाँ नाम है। और यहाँ दुर्गा राजा का नाम सुन रहे थे कि जो वही थे और कुछ कुछ लड़ाई हुआ था, और यहाँ की मान्यता है कि जो हम लोग
यहाँ मुर्गा पूजा लोग करते हैं, फिर मन्नत करते हैं, जो इच्छा होती है वो पूरा करते हैं। जैसा कि मनोज जी, जैसा कि आप लोग होली नहीं खेलते हैं, हम तो दूसरी जगह से हैं, अगर हम अगर रंग लगाकर इस गांव में आते तो यहाँ के गांव के लोग हमको क्या बोलते यहाँ पर? मतलब हमारा यहाँ का लोगों का कहना है कि जो आपके यहाँ जाके हम लोग होली खेल सकते हैं, हाँ। पर आप मेरे यहाँ आएंगे और होली खेलेंगे तो कुछ एक विशेष घटना हो जाए तो उसका जिम्मेवारी यहाँ के गांव के लोग नहीं लेंगे। अच्छा, एक और सवाल होगा, जैसे कि इस गांव में बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, यहाँ से शादी करके जाती होंगी दूसरे गाँव या फिर दूसरे शहर कहीं भी जाती होंगी, हाँ। तो वो लोग वहाँ पर होली खेल सकते हैं या नहीं? खेल सकती है, यहाँ पे दुर्गापुर गांव से इस मौजा से बाहर जाके हम भी खेल सकते हैं, आप भी खेल सकते हैं, अगर पर यहाँ नहीं खेलते। अगर कोई दूसरे जगह की लड़की अगर ब्याह होकर इस गांव में आती है तो यहाँ होली खेलेगी वो? नहीं, यहाँ पर हमारे मौजा भर में कोई नहीं खेल सकती, चाहे बड़ा रहे, छोटा रहे, गरीब रहे, अमीर रहे, कोई रहे। हमारी मान्यता है कि जो इस दिन शोक हम लोग मनाते हैं कि जो राजा मरे हैं तो यहाँ शोक मनाना है। तो होली के दिन क्या करते हैं आप लोग? मतलब होली के दिन हम लोग पूजा पकवान जो घर में जो आता है, जो साग सतुआ महुआ जो आता है हम लोग खाते पीते। तो पाहन जी ने जिस तरीके से एक राजा के बारे में बताया, तो राजा की पूजा करते हैं आप लोग? पूजा तो सब बराबर हम लोग का 365 दिन पूजा होती है, और सबसे ज्यादा होता है पुष में 14 फरवरी को। उसके बाद 2-3 जगह यहाँ बराबर पूजा होती है, जब जिनका आवश्यकता पड़ता है पूजा का आ जाते हैं, पूजा कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके मान्यता है इस गांव में कि एक राजा यहां पर एक हत्या हो गई थी कुछ साड़ी को लेकर, पाहन जी ने बताया। पाहन जी से एक और सवाल करेंगे। पाहन जी, जैसा कि बोला जाता है कि दुर्गापुर में कितने गांव हैं जहां पर होली नहीं मनाई जाती है? यहां गांव में है 12 टोला है। क्या क्या नाम है, नाम बताइए। पहला हुआ ललमटिया, हरलाडे, बूटीटाड, कमारहे, चडरिया, तिलेतरिया, कुसमाटाड़, बरवाटाड़, करोजरा, डुंडाडी, परसाटाड़, इतने गांव। जैसा कि आप लोग तो दुर्गापुर इस गांव में बहुत पहले से रह रहे हैं, जैसे अभी के जैसे कि हम लोग पीढ़ी में जितने बच्चे लोग हैं, बच्चे लोगों को आप लोग क्या बताते हैं इस होली को लेकर, क्या बताते हैं? यही सब बताते हैं कि यहाँ ऐसी ऐसी घटना हुई थी इसलिए हम लोग यहाँ होली नहीं खेला जाता है। हम लोग नहीं खेलते, हमारे पूर्वज लोग जैसे शोक की दिवस शोक के रूप में मनाते हैं हम लोग। जो राजा मारे गए उनके साथ कितने कितने जान गए, बूढ़ा बुजुर्ग बच्चे मारे गए, इसी दिन से हम लोग होली खेलना बंद कर शोक मनाते हैं। अगर मान लीजिए बच्चे अगर कहीं दूसरी जगह जाते हैं वहाँ पे नाच गान करते हैं होली पर, और अगर वो लोग भी यहाँ पर होली मनाना चाहें तो आप लोग क्या बोलिएगा उनको? उनको यही समझाएंगे कि हाँ हम लोगों का नहीं चलता है, हम लोग होली नहीं खेलते हैं, रंग अबीर नहीं करते हैं हम लोग, इसको आपको लोगों को भी यहाँ नहीं करना है, आके अपना घर में जो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं। और यदि कर भी जाते हैं बाई जबरन कोई यदि करना चाहता है इससे घटना घटती रहता है, इसलिए हम लोग सब नहीं करते हैं, रंग भी नहीं करते खेलते हैं। तो आपने सुना, ये बोकारो जिला अंतर्गत कसमार प्रखंड के दुर्गापुर गांव में होली नहीं मनाई जाती, और इसके पीछे का कारण भी आपने सुना अभी कि एक राजा हुआ करते थे यहां पर जिनकी हत्या हुई थी, जिसके बाद उनके शोक में ना उनकी यादों में उनके शोक में यहां पर होली नहीं मनाई जाती है। अब इसको रूढ़िवादिता कह लें, अंधविश्वास कह लें या फिर मान्यता कह लें, लेकिन ये पुरजोर तरीके से यहाँ के लोग उसका समर्थन करते हैं और होली को नहीं मनाते हैं। तो आप भी आज होली के मौके पर आप घर पर रहिए, परिवार के साथ रहिए, दोस्तों के साथ होली मनाइए। समाचार प्लस आप सभी को, आपके परिवार को, आपको, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। नमस्कार।